अल्लाह अल्लाह शान मोहम्मद,
अल्लाह अल्लाह शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी तो तारा जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। मैं अपने बाद दावते खिताब के लिए मेहमान खसूसी सरदार वकास महमूद खान और गोगा को गुजारिश करूंगा कि अपने कीमती वक्त में से कुछ नमें मौजूद सामी के लिए आप सबकी तालियों में सरदार वकास महमूद और गोगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توقیر مناس کے تمام دوستوں ساتھیوں بزرگوں میرے بچوں السلام علیکم میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کی پارٹی یا آپ میں سے کسی شخص نے توقیر کے ساتھ زیادتی کی دھوکہ کیا تو میں آپ سب کو چھوڑ کر اس کے ساتھ کھڑا ہوں पिछले दिनों यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं तौकीर मिन्हाज के साथ बैठ गया। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि ये जो हजरात आप कारकुनों को इस्तेमाल कर रहे हैं फेसबुक पर कमेंट्स के लिए सिर्फ, वो सब इसका हाल देख लें, इससे वफादार तो कोई नहीं था। पार्टी वर्कर सारी जिंदगी सिर्फ एक बात के लिए जद्दोजहद करते हैं कि जब कभी कोई मकाम आएगा तो मेरी जमात मुझे नवाजेगी। एक वर्कर की सबसे बड़ी कामयाबी एक काउंसलर का टिकट होता है, और अगर एक काउंसलर का टिकट भी वर्कर को ना दिया जाए, उसकी कुर्बानियों को ना दिया जाए, तो और क्या पार्टियां देंगी भाई। बस्ती वालों, मुझे अच्छा आप तौकीर मिन्हाज को जानते हैं, इसकी वफादारी को जानते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तौकीर उर्फ तौका आपके दुख सुख में आपके साथ रहा है, दूध छांव में आपके साथ रहा है, इक्तदार हो या ना हो वो अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ रहा है। आज होंगे इसके भाई भी, इसको भी आज पता चला है कि असल लोग कौन थे और नकल कौन थे, जो सारी जिंदगी इसका नाम इस्तेमाल करके ड्राइंग रूम में बैठकर सियासत करते थे, जब जेल भरने की बारी आई तो तौका जाए, कहीं एहतजाज करना है तो तौका जाए, कहीं मार खानी है तो तौका जाए, पोलिंग स्टेशनों पर झगड़े करने हैं तो तौका जाए, और जब इज्जत देने की बारी आए तो फिर कोस्तान ग्रुप अपनी कॉलोनी को देखता है कि उसके मफाद में क्या है। अगर तौकीर उस तौकी की भी जमीन होती तो मेरा नहीं ख्याल इसको कोई टिकट मांगने की जरूरत पड़ती, टिकट लेकर वो इसके घर आकर इसको दे जाते। ये तो बात होगी आप लोगों के लिए, और अब मेरे जो दूसरे दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरा तल्लुक है जाती उनसे, मैं अखलाक से गिरी हुई बात भी नहीं करता और न ही करने दूंगा इंशाल्लाह किसी को। उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि इससे पहले तौके ने इलेक्शन लड़े हाजी मलक उमर फारूक के, हाजी साहब ना अपनी इज्जत का तहफ़ कर सकते हैं ना किसी वर्कर की इज्जत का तहफ़ कर सकते हैं। इस दफा तौका खड़े है मेरे साथ, जिस किसी ने इसकी तरफ देखा तो वो पहले मुझे देखेगा, बाद में तौके को देखेगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
करोड़ों दरूद और सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरे इस्लामाबाद से आने वाले मौजूद मेहमान आसिफ नवाज खोखर साहब, आल पाकिस्तान ट्रेड एसोसिएशन के सदर जनाब अजमल बलोच साहब, सदर वकास और गोगा खान साहब, सरदार आसिफ खान साहब, और जो भी मेरे भाई मेरे दोस्त यहां तशरीफ लाए हैं, मैं उन्हें अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूं और अपनी तकरीर का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं एक शेर यहां तहजीब बिकती है, यहां ईमान बिकते हैं, जरा से दाम तो बदलो, यहां ईमान बिकते हैं। अफसोस चली गया, सियासी उफाना जिसके बारे में मैं तस्वीर बात कर रहा हूं कि उसका वालिद कहता था कि मेरा बेटा नॉर्मल है, उसकी बातों को बुरा ना लगे, वो आज तकरीरें करके वालिद को पता चल रहा है कि जनाब इसने काम ना किया तो आप मुझे पकड़ लिया। तो भाई आपको सब जानते हैं मेरे भाइयों, मुस्लिम लीग से मेरी वाबस्ती कुर्बानी हल्के में जब भी कभी कोई मामला हुआ है, ये 85 घर है, मेरे भाइयों मरकजी मस्जिद से लेके कब्रिस्तान के आखिर तक ये 85 घर है, 40 घर वो बी टैप के हैं। 2008 की बात है, मैं सियासत के आगे जब बात कर रहा हूं मैं उन सुरमाओं से पूछना चाहता हूं, तुम किन बिलों में थे उस वक्त, तुम सामने क्यों नहीं आए, तुम्हें आवाम के दर्द क्यों नहीं सताया, ये मकान के साथ हाईटेक सोचे लाए 11,000 वोट बाबा ने आधे फुट के फासले पे तारे बिछा दी, मैं और मेरा साथी इनामुल हक है, अजीज है, अल्लाह इमाम बख्शे कुफरा जदून को, और दोस्त है हमारे, खुदा की कसम हम 10 दिन वार्डालों से और पुलिस वालों से लड़ते रहे, आखिर हमने हाईकोर्ट से स्टे लिया, सब जानते ये बिजली किधर जानी थी, इसका फायदा किसको होना था, उस वक्त वो सुहाने मुकले अपनी जमीन 60,000 रुपया किनार बातर इंडस्ट्रियल जोन में 4 किनाल का प्लाट 15,00,000 रुपए का था, जो आज 5 या 6 करोड़ रुपए का है। जिस वक्त हमने हाईकोर्ट से स्टे लिया अलेमान बच्चे अली मेडिकल अली असलम साहब को,
तारिक पिंडियाला, इनके पीछे और बड़े सूरमा थे, उन्होंने हमें लालच दी। मैं इसके बाद अपने नहायत मौजूद मेहमान खुसूसी सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच साहब को गुजारिश करूंगा कि वो अपने कुछ लम्हे आके सामने इनको दें। आपकी भरपूर तालियों में अजमल बलोच सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान। मेरे मोहतरम तौफीर मिनाज साहब, इस तकरीर के मेज़बान मेरे मोहतरम आसिफ खोकर साहब, आफ्ताब इकबाल साहब, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके इनके लिए आप अंदर के बाद ये कहना है, अब तो होगा तो कई होगा, कौंसल होगा तो कई होगा, इंशाल्लाह। ये स्लोगन है आपके लिए, होते होगा होते होगा तो कई तोका, कौंसल होगा तो कई होगा, ठीक है इंशाल्लाह। आप सबसे भी अपील करता हूं, कैसे वर्कर को जरूर वोट दें, और इनसे वादा करता हूं कि अगर इस्लामाबाद में हमारी जरूरत पड़े किसी वर्कर का काम आप लेकर आए तो इंशाल्लाह आपके साथ जिस दफ्तर में कहेंगे लेकर, वो बड़े से बड़ा क्यों नहीं होगा, इंशाल्लाह वोट कर हमारा काम करेंगे, आपका काम करेंगे इंशाल्लाह। इधर भी हम आपके साथ होंगे, आप जहां कहेंगे हम आपके साथ होंगे। इसलिए मुझे खुशी हुई है, मेरे भाई मुझे आफ्ताब लेकर आया है, और आप एक वर्कर आदमी है, मुझे आप जैसे वर्कर बिल्कुल अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए यही कहूंगा कि प्रवास तेरी फजा से जरा आगे, हवा तेरी प्रवास से जरा आगे कदम उठा कि आसमां दूर दे। अल्लाह ताला फरमाता है, हम वो घर तुम्हें देंगे जो तुम बदलना न चाहेगा, तू कहेगा मेरा घर सबसे अच्छा है। आज अपने रब के आगे झुक जा, अपने रब से भी डर जा, अल्लाह की कसम कल फला पाएगा इंशाल्लाह। जिंदगी रही, जब मेरा भाई जीतेगा फिर हम आपके साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर में अपने भाई आसिफ नवाज खोकर साहब को से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी कीमती आवाज से शामिल को मालूम। मेरे तमाम अजीज भाइयों, इस वार्ड नंबर 8 के जनाब सरदार वकास महमूद खान साहब, तौकीर मेहनाज साहब, सरदार आसिफ खान साहब और अजमल बलोच साहब, इन सब भाइयों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और तौकीर भाई के इस बड़े जलसे में आए। वैसे तो मैंने सुना था बड़े बड़े जलसे बड़े बड़े सरदार ही कर सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह आज एक गरीब बंदे ने इतने भाइयों को इकट्ठा किया है जिस पर दिल खुश हो गया। या मैं काफी टाइम से एक यही बात सुन रहा हूं कि तौकीर भाई को टिकट नहीं मिला, लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई है कि तौकीर भाई को बड़े बड़े लोगों ने टिकट नहीं दिया, लेकिन यहां पे बेशुमार ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो रेड़ी लगाते होंगे, उसने तो आपको टिकट दे दिया ना। ऐसे लोग बैठे हुए जो यहां पे मुख्तलिफ छोटी छोटी किराने की दुकानें करते हैं, मेरे ख्याल में वो लोग तो यहां बैठे हुए, कोई बड़े बड़े सरदार बड़े बड़े नवाब तो नहीं बैठे हुए। इन लोगों ने जब आपको टिकट दे दिया
किसी और टिकट की जरूरत नहीं है। आज जितने मेरे भाई आए अपनी इज्जत के लिए, अपनी वोट की इज्जत के लिए आप इसको वोट डालें। अल्लाह तबारक ताला नबी पाक के सबके, माई फातिमा के सबके, आप सब की इज्जत रखेगा और इंशाल्लाह तकीर भाई की भी इज्जत रखेगा। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, वैसे तो मैं कभी कभी बोलता हूँ क्यों मैं किसी से डरता नहीं, ना मेरा खानदान किसी से डरता है, इसलिए मैं बोलने की ताकत रखता हूँ। लेकिन आज आप सारे भाई भाई कायम हो गए, फिर मालक ने जिंदगी दी, आपके दरमियान आऊंगा, बात भी करूंगा, सुनूंगा भी और सुनाऊंगा भी। बाकी कुछ तकीर भाई की बात मैंने सुनी, कुछ अजमल भाई की सुनी, कुछ सरदार साहब की सुनी, इनके बारे में मैं क्या कहूंगा, लेकिन अपना जरूर बताऊंगा। हमारे डेरे के बड़े बड़े दरवाजे जो हर टाइम खुले रहते हैं, हम भाइयों में रिश्तेदार कजनों में हम कोई ना कोई बैठते हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, कोई भी ऐसा काम कोई भी खाली जायज तो सारे ही करते हैं, खाली जायज तो सारे ही काम कर लेते हैं। जब किसी का काम करना होता है ना, मेरे बुजुर्ग कहते हैं जब हमने किसी को भर्ती करवाना होता है उसको कहते हैं हमें उसका नाम और आईडी कार्ड मैसेज कर दो, और जब किसी के काम में नुक्ते निकालने होते हैं उसको कहते हैं फाइल लेके आ जाना इसमें। तो आप भाइयों से गुजारिश मैं ये करूंगा, किसी का कोई काम जायज तो जायज, किसी और काम के लिए भी हमारे घरे खुले, हर किस्म के काम के लिए ताबेदार तो कीर भाई को साथ ले आ जाए, अल्लाह तबारक ताला इज्जत रखेगा। और वैसे भी मैं सफेदारी को बड़ा एहतराम करता हूं, तो मेरी तरफ से पेश की तुकीर भाई को मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप भाइयों के जज्बे से तुकीर भाई इलेक्शन विन करेगा और बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक ताला आप सबको इज्जत दे। अल्लामा इकबाल का मेरे ख्याल में शेर है, उसने कहा था तभी प्यादे मुखालिफ से ना घबरा होगा, ये तो चलती है मुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जज़ाकल्लाह। अच्छा चले जी रखे सीधे, चले जी काटे, जिंदाबाद।